नमस्कार, रसोई में तुम्हारी में आपका स्वागत है। मैं सुषमा त्यागी आज आपको एक ऐसी रेमेडी के बारे में बताने जा रही हूँ जिसे आप एक बार बालों में लगा लेंगे तो हमेशा के लिए छुट्टी। जो बाल आपके सफ़ेद हैं वो तो काले हो ही जाएंगे, जो आपके नए बाल निकलेंगे वो भी आपके काले होंगे, और जो बाज़ार से हम डाई या कलर लाते हैं उससे हमारे बाल तो काले हो जाते हैं लेकिन उसे लगाने के बाद हमारे जो बाल काले थे वो भी हमारे सफ़ेद हो जाते हैं, और उसमें बहुत सारा केमिकल होता है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी होती है। लेकिन जो रेमेडी आज मैं आपको बताने जा रही हूँ उससे आपके सफ़ेद बाल तो काले हो ही जाएंगे, साथ ही आपके बाल बहुत मजबूत और लंबे होंगे, और उसमें आपका कोई पैसा भी खर्च नहीं होगा, फ्री में आप उसे घर के सामान से ही बना लेंगे। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो हम इस नारियल से आज बनाएंगे हेयर कलर। तो नारियल जब हमारे यहाँ आते हैं तो नारियल का अंदर का हिस्सा तो हम यूज कर लेते हैं लेकिन इन्हें हम फेंक देते हैं, और अगर आपके पास ये नहीं है तो भी आप जहाँ ये नारियल मिलते हैं वहाँ से ये ला सकते हैं, वो आपको फ्री में ये दे देंगे। आप इस तरह से इन्हें काट लें कैंची से या आप इन्हें ऐसे ही हाथ से अलग कर लें। तो ये देखिए मैंने इस तरह से इन्हें तोड़ लिया है और गैस पे मैंने रख दिया कढ़ाई। कढ़ाई हमें भारी वाली लेनी है, आप चाहे तो लोहे की भी ले सकते हैं और चाहे एल्यूमिनियम की, स्टील की ना लें वो जल जाएगी। और हमने गैस को बिल्कुल लो कर लिया है, लो फ्लेम पे हमें इन्हें भूनना है। तो ये देखिए इस तरह से चलाते हुए हम इन्हें भून लेंगे, फ्लेम को हम लो ही रखेंगे, और आप देखेंगे थोड़ी देर में इनमें आग लगने लगेगी, धुआं सा उठने लगेगा। तो हमें ऐसा ही चाहिए, हमें इन्हें बिल्कुल चला लेना है इसी तरह चलाते हुए, और ये 100% काम करता है ये रेमेडी, मैंने इसे यूज़ किया है। ये देखिए इस तरह से, वैसे भी हमारे आयुर्वेद में भस्म का बहुत ही ज़्यादा उपयोग है, आप जानते ही हैं ना, सोने चांदी की भस्म, इसी तरह से ये नारियल की भस्म है, और ये हमारे बालों को बहुत ज़्यादा हेल्दी भी बनाएगी। तो ये देखिए इसी तरह हम इसे जला लेंगे, धुआं निकलने लगा है, हो सके तो आप बाहर करें वरना आपके घर में धुआं भर जाएगा। और इस तरह से हम पूरा जला लेंगे देखिए, और हमें ये लो फ्लेम पर ही करना है। तो अब इसे धुआं देना बंद कर दिया है, ये पूरी तरह से जल गई हैं, तो अब हम इन्हें ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडे होने पर ये पूरी तरह से राख हो जाएंगी और आप इन्हें बाहर रख दें, ये जल्दी से ठंडी हो जाएंगी। और ये देखिए मैंने इन्हें ठंडा कर लिया है, ये बिल्कुल राख हो गई है इस तरह से। तो अब मैंने थोड़ा सा इस तरह से दबा दबा के और बारीक कर लूँगी जिससे हमारी राख बिल्कुल बारीक हो जाए, और इसे भस्म भी कह सकते हैं, नारियल की भस्म। और इसे अब हम छान लेंगे, तो मैं छलनी में छान रही हूँ, आप चाहे तो इसे किसी बारीक कपड़े में भी छान सकते हैं। और ये हमें नारियल की भस्म मिल गई है जो बहुत ही उपयोगी है, और ये हमें बहुत ही फायदे वालों को। तो इस तरह से हम छान लेंगे इन्हें, और इससे हमें एक बहुत बारीक पाउडर मिल जाएगा। तो ये देखिए मैंने सारी राख को छान लिया है और मुझे इस तरह से ये मिल गई है, बिल्कुल बारीक पाउडर लग रहा है, बिल्कुल जैसे ये डाई हो, हम बाज़ार से लाते हैं ना मेहंदी उस तरह की। तो चलिए अब मैं आपको यूज़ करना बताती हूँ, इसे मैं एक साइड रख देती हूँ। तो जैसे हमें किसी फंक्शन वगैरह में जाने हैं या हमारे दो चार बाल सफ़ेद हैं तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम बालों को फिर से कलर करें और फिर वॉश करें, तो हम क्या कर सकते हैं कि थोड़ा सा हम हेयर जेल ले सकते हैं और उसमें हम थोड़ा सा अपना ये पाउडर मिला लेंगे, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और जहाँ हमारे बाल सफ़ेद हैं उसमें लगा लेंगे, और सूखने पर हम कंघी कर लेंगे। तो ये बिल्कुल हमारे नेचुरल हो जाएंगे और हमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। और अगर हमारे पास टाइम है और हमारे ज़्यादा बाल सफ़ेद हैं तो हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा हम सरसों का तेल लेंगे या जो भी तेल आप यूज़ करते हो वो ले लें, और उस पर थोड़ा सा ये जो कलर हमने बनाया है ये डाल लें, इस नारियल की भस्म भी हम बोल सकते हैं, और इसे अच्छे से घोल लें। तो देखिए बिल्कुल बिगाड़ इसमें नहीं है और ये बिल्कुल हेयर कलर जैसा बन गया है, बस आप इसे अपने बालों में लगा लें। आप चाहे इसे ब्रश से लगा सकते हैं चाहे हाथ से लगा लें। तो देखिए मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ, इस तरह से जहाँ जहाँ भी आपके बाल सफ़ेद है आप वहाँ लगा लें, जड़ों में लगा लें। देखिए मेरे बाल बीच से सफ़ेद है और मैं इस तरह से इसे लगा लूँगी, और एक दो घंटे के लिए हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे, और उसके बाद आप अपने मनचाहे शैम्पू से वॉश कर लें। मैं आपको शैम्पू बनाना भी सिखाऊंगी जिसमें कोई केमिकल नहीं होगा, घर के ही सामान से। तो आप मेरी अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। मैं बहुत ही जल्द शैम्पू बनाने की वीडियो डालने वाली हूँ।
देखिए मैंने कलर लगाने के बाद अपने बालों को धो लिया है, मेरे बाल काले हो गए हैं, आप देख ही रहे हैं, बिल्कुल जैसे मैंने डाई लगाई हो। लेकिन मैंने यही कलर लगाया है, बस आप लगा के 1-2 घंटे छोड़ दें, और अगर आप महीने में एक बार भी नहीं लगा लेंगे तो आपके बाल हमेशा के लिए काले हो जाएंगे, और इससे आपके बाल तो काले होंगे ही, साथ में आपके बाल लंबे और मजबूत होंगे। और इस तरह आप पैसा खर्च किए लंबे मजबूत बालों का लुत्फ उठा सकते हैं। मेरी वीडियो यही ख़त्म होती है। प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।